तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो जो है ये अपने हॉलैंड वाले पेयर के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता था कि इसके ब्रीड की थी, चार बच्चे निकाले थे और एक एक करके सब मरते चले गए। तो एक लास्ट बच्चा बचा हुआ था, वो जो है उसके काफ़ी दिन से कोई अपडेट मैं खुद नहीं दे पा रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है। तो आज जैसे ही सेटअप पर आया तो देखा वो लास्ट वाला बच्चा भी मर गया है। मैं आपको अभी निकाला हूँ, बच्चा निकाल के दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। तो देखिए, ये बच्चा था और ये भी जो है एक्सपायर हो गया। इस पेयर की खासियत ये है कि ये अंडे जितने देता है वो फर्टाइल तो करता है, और इसका डिसएडवांटेज भी कह लो या बुराई भी कह लो ये है कि वो पूरे बच्चे बचा नहीं पाता। तो बेसिकली इन सब बर्ड में यही प्रॉब्लम है, जितनी भी म्यूटेशन बर्ड होती हैं, कि ये पहली बार तो ब्रीड नहीं करती, ब्रीड कर भी देती हैं तो फिर अपने बच्चे नहीं पालती, अंडे ठीक से नहीं सेती। कॉमन बजीज़ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो तो अच्छे से ब्रीड भी करती है, बच्चे भी पालती है। तो आप भी अगर म्यूटेशन बर्ड रखने का सोच रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान में देनी होगी कि आपको कॉमन बजीज़ का भी पेयर जो है कुछ अपने पास लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर आप एक म्यूटेशन बर्ड की ब्रीड अच्छे से ले सकते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैंने भी जो है दो तीन पेयर जो है ये सो के और हॉलैंड की और होगोरोमो के लगाए थे। उसके अकॉर्डिंग में मैंने 5 से 6 पेयर बजीज़ लगाए थे। जब तक मेरी बजीज़ की कॉमन वाली बजीज़ की ब्रीड अच्छी चल रही थी तब तक सब सही था, और जैसे ही कॉमन बजीज़ की ब्रीड मेरी ख़राब हुई, अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद से ही जो है मुझे इन सब की भी प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ी। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, अगर आप हॉलैंड, सो क्रॉस, होगोरोमो वगैरह पालते हो तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि हमें जो है एक कॉमन बजीज़ का भी पेयर जो है रखना पड़ेगा। एक पेयर के पीछे आप 2 से 3 पेयर जो है ज़रूर ही रखें, क्योंकि इनका जो है जैसे लेइंग का टाइमिंग मिलाना या बच्चों की हैचिंग के टाइमिंग मिलाना ये बहुत ही मुश्किल है। तो एक पेयर के ऊपर 2-3 पेयर आप रखोगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। जैसे आप 2-4 पेयर म्यूटेशन बजीज़ रखे हो तो कम से कम 10 पेयर बजीज़ आप ज़रूर कॉमन वाली पाल लो। तो ये तो हो गई इससे रिकॉर्डिंग जो है गाइडनेस। और फिलहाल अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपकी जैसा कि फरवरी मिड आ चुका है तो अब मैं इसको रिलीव दे दूँगा, रेस्ट दे दूँगा पूरी तरीके से। इसकी मट्टी मटकी भी मैं जो है अभी उतार ले रहा हूँ, और क्योंकि इसकी क्रॉसिंग कंटिन्यू चल रही है, अब मेरे ख्याल से एग्स वगैरह भी 2-4 दिन में आ ही जाएंगे। तो इसकी मटकी मैं अब उतार दूँगा, इसको मैं रेस्ट पर छोड़ दूँगा कुछ दिन के लिए। बाकी अगर फ्यूचर में प्लान रहा कॉमन बजीज़ रखने का तब तो ये पेयर मैं रोकूँगा, अगर नहीं रहा तो इसको मैं सेल आउट कर दूँगा। तो अगर किसी भाई को चाहिए हो तो ले सकता है, अगर उसके पास कॉमन बजीज़ है और इस बजीज़ को भी अगर वो रखना चाहता है तो। तो अभी इसकी जो है मटकी हम उतार दी है, ठीक है फैमिली। तो अभी जो है इसकी हम मेल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे साइज़ का है, बच्चे भी निकले हैं फर्स्ट क्लास के, इसके 3 बच्चे मैं रोका भी हूँ, घर पे हैं, उसको भी मैं कभी वीडियो में शेयर करूँगा। तो काफ़ी अच्छे जो है मेल है, फीमेल भी वाइट फेस की है, तो बच्चे काफ़ी खूबसूरत निकलते हैं, कुछ स्प्रैंगल में भी आते हैं। तो अगर किसी भाई को नीड होगी तो वो ले सकता है। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।